हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रिगार्डिंग, हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। पिछले कुछ लेक्चर्स से कंटिन्यू हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फ्री स्पेस, डायलेक्ट्रिक मीडियम, इस तरह से हम डिस्कस करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे टॉपिक रहेगा आज का पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, साथ साथ चल रहे, देखते हुए ना भाई, साथ साथ नोट्स बनाते रहिए, राइट डाउन करते चलना साथ में। तो देखो, सबसे पहले बात कह रहा है डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो पोलराइजेशन वेक्टर होगा हमारे पास, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या रहेगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो हमारे पास दो टाइप की वेव होती हैं, एक होती है ट्रांसवर्स वेव और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ट्रांसवर्स वेव को हम पोलराइज कर सकते हैं, और ऑन द अदर हैंड हमारे पास जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी उसका पोलराइजेशन नहीं होगा। तो वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और परपेंडिकुलर फील्ड, जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, वो क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और प्रोपोगेट करते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपोगेट करते हैं। तो वो जो वेव होगी वो किस टाइप के नेचर की रहेगी, ट्रांसवर्स वेव रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या किया जा सकता है, पोलराइज किया जा सकता है, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ वेव क्या होते हैं, वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव के स्क्वायर। इंटेंसिटी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि जब दो वेव कोई, मान ले दो टाइप की वेव है हमारे पास, एक वेव का एम्पलीट्यूड A1 है और दूसरे का एम्पलीट्यूड A2 है, तो रिजल्टेंट वेव, तो दोनों वेव को सुपर इम्पोज करेंगे, तो उस केस में हमारे पास जो रिजल्टेंट वेव आएगी उसका जो एम्पलीट्यूड ए रहेगा वो क्या रहेगा, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ A1 A2 कोसाइन ऑफ फाई। फाई क्या है, फेज बिटवीन टू वेव, जो भी दो वेव ट्रेवल कर रही है उनके बीच का जो फेज रहेगा वो कितना रहेगा, फाई रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से इंटेंसिटी के टर्म में अगर इसको लिखना चाहें तो रिजल्टेंट वेव जो बनेगी दोनों वेव के सुपर इम्पोजिशन से, उसका इंटेंसिटी रहेगी फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी सेकंड की इंटेंसिटी प्लस ट्वाइस ऑफ √I1 प्लस √I2 कोसाइन ऑफ फाइव। ये क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव का फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्टेंट वेव आ रही है उसकी कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास फॉर्मूला आएगा कि उसकी इंटेंसिटी रहेगी ये वाली I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस ऑफ √I1 √I2 कोसाइन ऑफ फाइव। फाइव इज द एंगल फेज डिफरेंस, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम उनकी मैक्सिमम इंटेंसिटी निकालना चाहें तो मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या रहेगी, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कब रहेगी, यहाँ पे √I1 प्लस √I2, ये रहेगी हमारे पास मैक्सिमम इंटेंसिटी। देखो कोसाइन ऑफ एंगल जो होता है थीटा, उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है, -1 से लेके +1 के बीच में, है ना। तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी, हमारे पास +1 रहेगी। तो जहाँ पे कोस की वैल्यू +1 हो जाएगी उस केस में हमारे पास ये क्या बन जाएगा, √I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी रहेगी, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और √I1 क्या है हमारे पास, फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। और √I2 क्या है हमारे पास, सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड, ठीक है ना, यही है। तो अगर इसको एम्पलीट्यूड के टर्म में लिखना चाहो तो मैक्सिमम जो इंटेंसिटी रहेगी वो किस पॉइंट पे रहेगी एम्पलीट्यूड के टर्म में, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, है ना। अगर एम्पलीट्यूड के टर्म में निकालना चाहें तो A1 प्लस A2 के होल स्क्वायर पे क्या रहेगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी रहेगी। इसी तरह से मिनिमम की बात करें तो कोस की मिनिमम वैल्यू रहती है -1, ठीक है। यहाँ पे -1 वैल्यू हो जाएगी तो ये क्या बन जाएगा,
आई वन प्लस आई टू माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ अंडर रूट आई वन अंडर रूट आई टू, ठीक है। तो ये किसका होल स्क्वायर बन गया, अंडर रूट आई वन माइनस अंडर रूट आई टू का होल स्क्वायर, यही बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये बनेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से एम्पलीट्यूड की टर्म में लेना चाहे तो सेम वही बात है, ये मिनिमम आ जाएगा, मिनिमम इंटेंसिटी क्या रहेगी, आई मिनिमम जो रहेगा वो क्या रहेगा हमारे पास, ये वाला एम्पलीट्यूड की टर्म में, तो ए वन माइनस ए टू और इसका होल स्क्वायर, तो ये रहेगा हमारे पास इंटेंसिटी मिनिमम, ठीक है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी अगर एम्पलीट्यूड दे रखा हो तो एम्पलीट्यूड के टर्म में भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। बात करते हैं उस पॉइंट की जिसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे बात कर रहे थे, तो वो क्या था, पोलराइजेशन ऑफ वेव। तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव की बात करेंगे, तो दो वेव है हमारे पास, दोनों सुपर इम्पोज होगी तो उनकी इंटेंसिटी क्या रहेगी, एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, वो हमने देख लिया यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन जो आता है वो हमें आता है पोलराइजेशन चेक करने का, कि कोई जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, दो वेव ट्रेवल कर रही है किसी भी फेज एंगल फाई से, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस है या सेम फेज है, कुछ भी है जो भी है वो हम चेक करेंगे यहाँ पे। तो उसमें क्या होगा, हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो पूछता है कि वो प्लेन पोलराइज है, उसका पोलराइजेशन कैसा है, प्लेन पोलराइज है, सर्कुलर पोलराइज है, इलेक्ट्रिकल पोलराइज्ड है, ठीक है। और सर्कुलर के अंदर भी हमारे पास कई बार पूछ लेता है कि वो राइट सर्कुलर पोलराइज्ड है या लेफ्ट सर्कुलर पोलराइज्ड है, ठीक है। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल इस टॉपिक के ऊपर हमारे पास एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं, जब सुपर पोजिशन होता है तो क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, स्टेट ऑफ पोलराइजेशन ऑफ बोथ द वेव आर पैरेलल देन रिजल्टेंट वेव इज प्लेन पोलराइज्ड। अगर दो वेव दे रखे हैं हमारे पास, दोनों की कोरस्पॉन्डिंग आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे दी, अगर दोनों पैरेलल हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम है, पहले वाला और दूसरे वाले वेव दोनों की दोनों अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो उस केस में हमारे पास जो दोनों के सुपर इम्पोजिशन से हमारे पास जो वेव बनेगी वो कैसी होगी, प्लेन पोलराइज्ड होगी। कैसी होगी, प्लेन पोलराइज्ड होगी, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, When the state of polarization of the both of the wave is perpendicular, when the state of polarization, when the state of polarization of the wave is perpendicular, ठीक है। तो मान लेते हैं एक साइन वेव है, एक कोसाइन वेव है, साइन और कोसाइन में क्या हो गया, पाई बाई टू का फेज हो गया डिफरेंस, तो दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे, then the resultant wave will be चेक बाई द फेज डिफरेंस फाई, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट वेव उनकी बनेगी वो कैसे होगा, वो हमें उनका फेज डिफरेंस चेक करना पड़ेगा, उससे हम बता सकते हैं, तो वो उन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस हमें बताएगा, देन विल चेक द फेज डिफरेंस फाई, ठीक है। अगर दोनों के बीच का फेज डिफरेंस क्या है, फाई कितना है, जीरो है, पाई है, टू पाई है, ठीक है। अगर n का मल्टीपल ऑफ पाई है, n इज द इंटीजर फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, ठीक है, जीरो से लेके और इन्फिनिटी तक या माइनस कुछ भी वैल्यू लगा लो मान लो, तो यहाँ पे अगर फाई का फेज डिफरेंस पाई का मल्टीपल है तो कैसा रहेगा, प्लेन पोलराइज्ड रहेगी, जो रिजल्टेंट वेव रहेगी वो कैसी रहेगी, प्लेन पोलराइज्ड रहेगी। दूसरी बात आती है, अगर पाई बाई टू आता है, फेज डिफरेंस कैसा है, पाई बाई टू का मल्टीपल आता है, ठीक है, पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, फाइव पाई बाई टू, सेवन पाई बाई टू, ठीक है। इस तरह से अगर हमारे पास फेज डिफरेंस आता है तो उस केस में हम जो वेव है, जो मैग्नीट्यूड जो हमें दे रखा है वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड चेक करेंगे। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, मतलब पाई बाई टू का फेज डिफरेंस आ गया और दोनों का मैग्नीट्यूड आ गया इक्वल, तो अब हमारे पास जो रिजल्टेंट वेव रहेगी वो कैसी रहेगी, सर्कुलरली पोलराइज्ड। रिजल्टेंट वेव कैसी रहेगी, सर्कुलरली पोलराइज्ड। अगर फेज डिफरेंस मान लो मैग्नीट्यूड जो है उसका एम्पलीट्यूड जो है वेव का वो दोनों का डिफरेंट आ रहा है, तो उस केस में हमारे पास जो रिजल्टेंट वेव रहेगी वो रहेगी इलेप्टिकल पोलराइज्ड। क्या रहेगी, इलेप्टिकल पोलराइज्ड, ठीक है। तो इस तरह से अगर देखो क्या बात आई, दो बातें बताई उन्होंने, अगर फेज डिफरेंस क्या आता है, जीरो पाई टू पाई
थ्री पाई इस तरह का फेज डिफरेंस आता है तो प्लेन पोलराइज, ठीक है। पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, फाइव पाई बाई टू, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, तो कैसा फेज डिफरेंस, उसका मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे, चेक करेंगे। मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है, फर्स्ट का मैग्नीट्यूड सेकेंड के मैग्नीट्यूड के इक्वल है तो सर्कुलर पोलराइज, अगर मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, ठीक है ना, इवन का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है तो वो कैसी हो जाएगी, इलेप्टिकल पोलराइज। कैसी हो जाएगी, इलेप्टिकल पोलराइज। अब जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड जो हो वो पाई बाई टू और पाई ही हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ और अलग भी हो सकता है इनसे। तो उस केस में कह रहा है कि फाई अगर अदर देन जीरो पाई बाई टू, पाई थ्री पाई बाई टू, अगर इनके अलावा कुछ और आ रहा है तो फिर कुछ चेक करने की नहीं है, डायरेक्ट लिख देंगे कैसा है, इलेप्टिकल पोलराइज है। वेव कैसी से इलेप्टिकल पोलराइज है, कैसी वेव रहेगी, इलेप्टिकल पोलराइज रहेगी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है इसी के रिगार्डिंग, देख लेते हैं इसको, क्या कह रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय दिस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, ठीक है। दिस रिप्रेजेंट, यानी कि ये जो रिजल्टेंट हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लीनियरली पोलराइज वेव ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, सर्कुलर पोलराइज वेव ट्रेवलिंग इन जेड डायरेक्शन नेगेटिव जेड, इलेप्टिकल पोलराइज ट्रेवलिंग इन द नेगेटिव जेड डायरेक्शन, ठीक है। तो और इसका डी ऑप्शन रहेगा हमारे पास, एन एन पोलराइज वेव ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे चेक करना है। तो देखो ई क्या है, ई नोट कोस के जेड प्लस ओमेगा टी आई कैप ट्वाइस ऑफ ई नोट साइन के जेड प्लस ओमेगा टी जे कैप, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने इसको तोड़ के लिख लिया यहाँ पे, तो देखो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया एक्स एक्सिस के अलावा, ठीक है। आई कैप दे रखा है साथ में, तो आई कैप डायरेक्शन किधर लेते हैं हम, एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर। तो एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया हमारे पास ई नोट कोस के जेड प्लस ओमेगा टी आई कैप, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कह रहा है जे कैप, तो जे कैप हो गया वाई एक्सिस के अलोंग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस हो गया हमारे पास ये, ठीक है। ये कोसाइन की टर्म है और ये साइन की टर्म है, कोसाइन वेव और साइन वेव दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना हो गया 90 डिग्री, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना हो गया 90 डिग्री। तो पहला तो काम क्या था कि अगर फेज 0π 2π था तो वो क्या था, कैसा था, प्लेन पोलराइज्ड, तो ये प्लेन पोलराइज्ड नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या था ऑप्शन हमारे पास कि अगर पाई बाई टू का मल्टीपल है, पाई बाई टू मतलब 90, तो वो फिर हम क्या चेक करेंगे, मैग्नीट्यूड चेक करेंगे कि E1 का मैग्नीट्यूड E2 के मैग्नीट्यूड के इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ पे देखो इस वेव का मैग्नीट्यूड है, जो एम्पलीट्यूड है वो है ई नोट, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ट्वाइस ऑफ ई नोट, तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है। तो अगर फेज डिफरेंस पाई बाई टू है, 90 डिग्री है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन क्या था हमारे पास, कैसी है वो वेव, इलेप्टिकली पोलराइज्ड, ठीक है। वेव कैसी है, इलेप्टिकली पोलराइज्ड। अब हमें पता, पोलराइजेशन तो पता चल गया, अब डायरेक्शन बतानी है, तो डायरेक्शन कहाँ से पता चलेगी, अब ई नोट के साथ हमारे पास क्या है, के जेड प्लस ओमेगा टी, ठीक है। एक्चुअल जो हमारे पास मैथमेटिकल जो वेव की जो हमारे पास इक्वेशन होती है उसमें क्या होता है, के जेड माइनस ओमेगा टी होता है, ठीक है, एक्चुअल इक्वेशन में। तो अगर वैसे तो छोड़ो, सीधी सी बात है, याद रख लेना कि अगर दोनों का साइन सेम है, के जेड माइनस ओमेगा टी ये या फिर माइनस के जेड प्लस ओमेगा टी, दोनों का साइन डिफरेंट है ना, इसका ये प्लस है तो ये माइनस है, ये माइनस है तो ये प्लस है, तो ये डायरेक्शन इसकी वेव की, इस टाइप की जो वेव होगी उसकी डायरेक्शन होगी पॉजिटिव, इधर होगी पॉजिटिव, पॉजिटिव की डायरेक्शन में। अगर दोनों का सेम है, जैसे के जेड प्लस ओमेगा टी या फिर माइनस के जेड माइनस ओमेगा टी, तो उस केस में हमारे पास डायरेक्शन रहेगी नेगेटिव। कैसी रहेगी डायरेक्शन, नेगेटिव। डायरेक्शन क्या होगी ये हमने पिछले लेक्चर में बता चुके हैं,
कि ये जो के साथ जेड है ये क्या बता रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो हमारे पास जो वेव है उसकी डायरेक्शन के बारे में बता रहा है ये, और ये आई कैप है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है। तो आई कैप हो गया एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जेड क्या बता रहा है, वेव की डायरेक्शन। तो इस जेड में हमारे पास क्या है, वेव की डायरेक्शन है। तो जेड के दोनों डिफरेंट आ रहे हैं तो नेगेटिव जेड डायरेक्शन हो जाएगी वेव की डायरेक्शन। ओके क्लियर है।